आजकल हमारे आसपास बहुत दुविधाएं चल रही हैं। क्या मानूं, क्या ना मानूं, क्या सच है, क्या नहीं है, क्या सही है और किसकी कही बात अच्छी है, सच्ची है। यही सब दुविधाएं चल रही हैं ना। इसी सोच के साथ में आज आप सबका स्वागत करना चाहती हूँ एक और कहानी के साथ। तो आराम से बैठ जाइए, कुर्सी की पेटियाँ बांध लीजिए। आप सबका स्वागत है। हेलो, हाय, नमस्कार, वड़क्कम, केम चो, सत श्री अकाल एंड कॉपी टू ऑल। एक बार एक शेफ ने बहुत स्वाद पुलाव बनाया। बेस्ट राइस, बेस्ट वेजिटेबल्स, सबसे बढ़िया मसाले और उसके पाक कला की शफा, सबका मिश्रण खुशबू के जरिए रेस्टोरेंट में बैठे हुए सारे लोगों के नाक में घुस गया। उत्सुकता, खुशबू, एक दूसरे के चेहरे को देख करके पुलाव खाने का मजा दुगना हो रहा था। बड़े समय बाद सारे लोग इकट्ठे होकर खाने भी तो आए थे इस महान शेफ के खाने का मजा लेने, लुत्फ उठाने। पर ये क्या, शेफ बाहर आया, उसके चेहरे पे थोड़ी दुविधा थी। सारे एक दूसरे को देखने लगे कि ये क्या हुआ। शेफ ने आके कहा, पुलाव तो तैयार है जैसा आप सबको चाहिए था, पर आज एक प्रॉब्लम हो गई है। उस पुलाव के अंदर में चावल के जैसे दिखने वाला, चावल के रंग का ही एक कंकड़ रह गया है। अब मैं आप सबको पहले बताना चाहता हूँ कि वो कंकड़ आपके किसी के भी मुंह में आ सकता है। ये कह करके शेफ पुलाव रख गया, सबको उसने परोस भी दिया। पर इस चेतावनी के साथ सबके चेहरों में एक कंफ्यूजन थी। कहीं मेरे पुलाव में तो वो कंकड़ नहीं है। पुलाव खाते रहे, एक दूसरे का चेहरा देखते रहे, हर चम्मच के अंदर, हर बाइट में बस एक ही डर था, कहीं ये पुलाव उसी कंकड़ से भरा तो नहीं है। करते 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 सब ने पूरा पुलाव खा लिया। पुलाव खत्म हो गया, सब ने चैन की सांस ली। तभी सबको एहसास हुआ कि कंकड़ तो किसी के भी पुलाव में नहीं आया। उन्होंने जाके शेफ से पूछा। शेफ ने कहा, देखिए जनाब, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी कि कंकड़ पुलाव में से निकल जाए, पर मेरे हिसाब से एक कंकड़ शायद छूट गया था। यही सब हो रहा है हमारे आसपास, इतनी सारी अनसर्टेनिटी है। मैं समझती हूँ आपका डर, मैं समझती हूँ हमारी दुविधा। अगले पल क्या होना है ना आप जानते हो ना मैं, पर उस अनजाने डर के लिए मैं पुलाव का स्वाद क्यों खो दूं? अरे भाई, आ गया अगर एक बाइट में कंकड़ तो आ गया ना, बाकी पुलाव का तो मजा लूं, हर उस चम्मच का, हर उस क्षण का मजा उस एक कंकड़ की अंदेशे, अनजाने, अनदेखे भय के लिए मैं वो स्वाद से, खूबसूरत मसालों से, खूबसूरत हाथों से बने हुए पुलाव को ऐसे कैसे जाया जाने दूं? बदल सकते हैं, डर से निकल सकते हैं। आसान नहीं है, पर नामुमकिन भी नहीं है। इसी सोच के साथ बस एक चीज याद रखिए, इश्क योरसेल्फ।